नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, कल रात को वसई पुलिस स्टेशन में जो घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम में कुछ नई चीजें और सामने आई है। सबसे पहले तो ये चीज, नई जानकारी सामने आई है कि एक समुदाय के लोग जो कि पुलिस स्टेशन में कल रात को जमा हुए थे, उसमें से कुछ लोगों ने रात के समय में जिस मामले को लेकर उन्होंने पुलिस स्टेशन पर जमावड़ा किया था, उस मामले के एक्यूज के घर पर पत्थरबाजी की और उनकी गाड़ी को तोड़फोड़ की, ऐसा आरोप इस मामले के एक्यूज ने लगाया। हालांकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, उनके ऊपर एफआईआर पहले ही हो चुकी है और उनको एडवोकेट जो जिन्होंने वो पोस्ट की थी, उनको एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट ने ग्रांट कर दी है। इसके लिए इस विषय पर चर्चा करना मुनासिब नहीं है क्योंकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है। लेकिन रही बात आज के घटनाक्रम की, तो आज का घटनाक्रम ऐसा था कि शाम को 4 बजे एडवोकेट ओझा ने अपनी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और उसमें अपना पक्ष रखते हुए कुछ बातें कही। एडवोकेट ओझा ने क्या कुछ कहा वो आप आगे वीडियो में देखेंगे, लेकिन एडवोकेट ओझा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर दूसरे समुदाय में नाराजगी देखी जा रही थी। इसके लिए दूसरे समुदाय के लोग भी अपना जमावड़ा कर रहे थे और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन जो है दोनों तरफ से दोनों पक्षों को समझाने के लिए प्रयासरत थी। पुलिस ने अपनी कानून व्यवस्था काफी अच्छी 2 दिन से बनाए रखी है और आगे भी ऐसी कानून व्यवस्था बनी रहेगी, ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं। और इस मामले में जो कल हुआ, मेरा ऐसा मानना है कि जब एक मामले के आरोपी के ऊपर अगर एफआईआर हो चुकी है और सब कुछ हो चुका है, तो हमें कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। तो मैं अपनी तरफ से यही आह्वान करना चाहता हूं कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए और भाईचारा बनाए रखने के लिए आगे किसी इसी तरह के कदम नहीं उठाए जाए तो ज्यादा बेहतर है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ हुआ वो आप देखिए आगे वीडियो में। सर, एक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, क्या विषय है? आप आए, आपको मालूम है क्या घटना हुई है, क्या दुर्घटना हुई है, आप बताएंगे तो सर। 30 तारीख को जो एफआईआर हमारे खिलाफ दर्ज की गई, क्योंकि किसी के कायदे के हिसाब से बनती नहीं है, उसको भी जबरदस्ती मानिकपुर पुलिस स्टेशन में जाकर दर्ज कराया गया और उसमें हमारे अरेस्ट करने की बात की गई। उसको देखते हुए मैंने कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल ली। बेल लेने के बाद ठीक है, आपने कंप्लेंट किया हमारे खिलाफ, हमने बेल ले लिया, बात खत्म हो जाती है। लेकिन ये मामला वहाँ तक ही सीमित नहीं था, क्योंकि इसके पीछे जब पूरी चीज़ों का देखा गया तो मालूम पड़ा कि इसके अंदर एक कॉन्स्पिरेसी करके एक बड़ी मीटिंग हुई है। मीटिंग के अंदर हमारे एक साथी वकील हैं अल्तमस खान, हमारे दूसरे साथी हैं असफाक, हमारी तीसरी साथी हैं साबिया के पिताजी बुराडे और उनके साथ में कलन खान, और इसके साथ में कई और ऐसे लोग हैं जो शायद मेरे वकील के पैसे के अंदर काम करने की वजह से नाखुश थे, जिसमें कानून हमको बोलता है कि अगर गाय की रक्षा करनी है तो केस आपको लड़ना पड़ेगा, वो केस आप लड़ेंगे। किसी की हत्या होती है, किसी धार्मिक वाहनों को दिखाया जाता है, वो केस आप लड़ेंगे। हमने उन्हीं केस लड़ रहा हूँ, अपने पालघर के साथ वो केस लड़ रहा हूँ, ये सारी बातें हैं। तो अपने अपने स्कोर सटक लेंगे, सारे दुखी लोग सब इकट्ठे हो गए। और ये इकट्ठे होने का मतलब क्या है कि अभी देखिए, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो PFI ऐसे काम करती है, इन सारी बातों को लेकर PFI भी काम करती है। सर, आपने अभी कहा कि आपके खिलाफ FIR हो, आपके खिलाफ FIR क्यों हुआ, वो क्या मामला? हमारे खिलाफ जो FIR हुआ है उसको मैंने आप बताया कि एक ऐसा मैसेज जो पुलिस के कहने के हिसाब से 10 साल से ट्रोल कर रहा है, वो मैसेज मेरे मोबाइल के ऊपर आया था और मैंने अपने 5 साथियों को
उसको मैसेज को भेज दिया था, वो भी वकीलों को भेजा था, मैंने कल्लन खां को नहीं भेजा था जो कंप्लेनेंट है। कल्लन खां को वो मैसेज पढ़ाने वाला देने वाला वो वकील साथी होगा जिसने उसको अपना पपेट बना के खड़ा किया। ये तो स्कोर सेटल करने की बात है। और इस तरह से ये करके ये एक कॉन्स्पिरेसी में एक केस बनाया गया, एक कॉन्स्पिरेसी करके हज किया गया और उसके अंदर हमको विक्टिम बना करके हमारे साथ बदला लेने की बात की गई है। और इसके अंदर एक कोशिश ये रही है कि हिंदुओं को दबाया जाए। सर मैसेज किसे भेजा गया या किसे नहीं भेजा गया ये अलग चीज़ है, लेकिन मैसेज में जो बातें लिखी गई, मैसेज में जो बात लिखी गई है वो अब हमारे मुस्लिम धर्म के लोग ही बता सकते हैं कि वो सही है कि नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो भेजने वाला आपत्तिजनक जो सामग्री है तो उसको आपत्तिजनक सामग्री मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि उसके अंदर जो सामग्री है वो भी लग रहा है कि आपने जो पोस्ट किया है वो आपत्तिजनक है, धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला। अब आपने कहा है कि जो धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला और हमने की भेजा है, वो हमने भेजा नहीं है, वो बनाने वाला और उसको भेजने वाला वो मुस्लिम है। आप कैसे कह सकते हैं? उसमें लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है और पुलिस ने FIR में वो नाम लिखा है और FIR में वो नाम होने की वजह से और जज ने भी वहाँ पे कमेंट किया है कि ये जब केसेस है तो आपने क्या किया। इतनी सारी बातें होने के बाद वो मुहम्मदन खुद ही अपने धर्म के बारे में बात करता है, उसको मैंने लोगों की जानकारी के लिए भेज दिया। अब इसका तो दो ही चीज़ें हो सकती थी, पुलिस ने इसको आज इतने वर्षों से ट्रोल कर रहा था तो पुलिस को पता करना चाहिए था, पुलिस ने पता नहीं किया, या इसके लिए किसी मुस्लिम धर्म गुरु को भी खड़े होकर अपनी बात कहनी चाहिए थी कि ये बात गलत है, इसको कैसे ट्रोल किया जा रहा है और इसका ऑब्जेक्शन लेना चाहिए था। ना तो मुस्लिम धर्म गुरु की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन है और ना तो पुलिस की तरफ से इसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई, ये कोई नहीं बता रहा है। और इसके अंदर आज मान लीजिए कि इन लोगों ने बहाना करके मेरे को विक्टिम किया है, कल यही मैसेज कोई अनजान आदमी दूसरा बेचारा डाल देगा तो उसको भी विक्टिम होगा। और आपके ये शाहपुर में इसी मैसेज के ऊपर एक केस बन भी चुका है, हुआ है। तो ये मैसेज एक ऐसा गलत मैसेज है जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल आदमियों को आगे आना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, नहीं तो ये मिसगाइडेंस अगर गलत है तो ये मिसगाइडेंस है और अगर सही है तो बुरा नहीं मानना चाहिए। मुझे मैसेज आई कि रमजान क्यों मनाते हैं, जैसे मैं जानता हूँ कि हमारे हिंदुओं के अंदर कोई भी त्यौहार मनाते हैं तो उसके पीछे एक कहानी है, होली क्यों मनाते हैं उसके पीछे एक कहानी है, दिवाली क्यों मनाते हैं उसके पीछे एक कहानी है, दशहरा क्यों मनाते हैं उसके पीछे एक कहानी है, तो वैसे ही रमजान क्यों मनाते हैं उसके पीछे एक कहानी है। लेकिन सर कोई भी कुछ भी आपत्तिजनक लिखेगा तो उसको बिना स्टडी किया उसको फॉरवर्ड करना बराबर है क्या? ये मैं वही बात कह रहा हूँ, एडवोकेट है ना इसके लिए, एडवोकेट मैं हूँ लेकिन एडवोकेट होते हुए मैं कोई मुस्लिम धर्म गुरु नहीं हूँ और जो भेजने वाला है मुस्लिम है और वो अपना नाम लिख के भेज रहा है भंडारे। क्या कल का घटना जो और उसके अंदर दोनों मुस्लिम का नाम लिखा हुआ है और उन्होंने ये मैसेज भेजा है तो उसके बाद मैं कैसे मान लूं कि ये मैसेज गलत होगा या मैसेज सही होगा? सर वो एडिट कोई भी कर सकता है, सर एडिट कोई भी कर सकता है, नाम कोई भी उसमें लिख सकता है, उसको क्रॉस वेरीफाई कर किया जाना अपने लेवल पर काफी जरूरी है, एडिट बोल के नाम कोई भी लिखा हुआ अपने ग्रुप में से ये आदमी को मिला कैसे? वही मैं कह रहा हूं, वो आदमी को मिला कैसे कि वो ग्रुप का मेंबर नहीं है? वो उसको किसने दिया? उसको अगर किसने दिया है तो वो आदमी ने बनाया, उसको क्यों नहीं बनाया आरोपी? क्यों नहीं फॉरवर्ड किया और उसने और किसी को फॉरवर्ड किया है तो इन लोगों को क्यों नहीं आरोपी बनाया जबकि औरत जो है उसको आरोपी बनाया? जेल मिलने के बाद क्यों अटैक किया? यस सर वकीलों को तो समझना चाहिए ना कि आपस में दो बार क्यों? देयर शुड बी नो टू फेस, एक फेस रखो, लड़ना है तो सामने से लड़ो। कंप्लेंट के लिए क्या माणसाचं ग्रुप
पीछे जाना पड़ेगा जिसने पहला नोटिस बनाया और उसके ऊपर केस होना चाहिए। पहला आप सबको पीछे जाओ, आईटी सेल पीछे जाए, ढूंढे किसने बनाया और उसके ऊपर करो फॉरवर्डेड मैटर का मतलब। तो लाखों बार एक लाख लोगों के ऊपर तब जाके होगा और सब ने नहीं किया था। एक लोगों का क्या हुआ? 200 करोड़ के ऊपर एफआईआर होना चाहिए। और जब एफआईआर हो गया, सामने है सब कुछ, तो कोई भी घर पे आया चाहे वो कोई भी आने वाले हो, मारने का राइट नहीं है। जब ये फायर हुआ लेने के बाद क्या होता है? आज के बाद वो तो नहीं बोला जा सकता है सबके बाइक्स। आपने किसी को पूछा? आज का क्वेश्चन था ये, आपने किराने से लेने के बाद अटैक क्यों हुआ? ये आपने पूछा उनको क्या कारण है? पूछना है ना उस घटना की मुझे जानकारी नहीं थी। कौन सा प्रोटेस्ट उस घटना की मुझे जानकारी नहीं थी। सुबह आओ लेटर दो हमको प्रोटेस्ट अटैक किया गया प्लानिंग मैनर में। उनको पूछा गया एक बार कंप्लेंट किया गया, कंप्लेंट में जो हुआ और हमने जो फायर क्या हो सकता है सब लोग सोच सकते हैं। मतलब लॉ एंड ऑर्डर का डर नहीं है जिसने भी किया है? एकदम नहीं है। कोई भी अगर उसमें वकील भी है दंगा क्यों हुआ? अगर करना था तो पहले कोर्ट से बेल होने के पहले जब तुमने कंप्लेन कर दिया, उसको कानून ने कंप्लेन ले लिया, एफआईआर रजिस्टर हुआ इनके खिलाफ और इन्होंने प्रॉपरली जाके कोर्ट में अपने इनकी सर्विस बिल फाइल किया। और जब सेशन कोर्ट ने इनको इंटरिम प्रोटेक्शन दिया उसी रात इनके ऊपर अटैक हुआ। दैट सो देयर हैव नाम है डूइंग ईच एंड एवरीथिंग इन प्लानिंग मैनर। पुलिस की कार्रवाई भी और उनको और उसके बावजूद ओझा सर को आके पुलिस नोटिस देती है कि आप सद्भावना बनाओ और वो मीटिंग कर रहे हैं 400-500 लोग कर रहे हैं मीटिंग, तो उनको नोटिस दिया गया क्या? उनको हमारे ऊपर हमारे सर के ऊपर जो अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज अटेम्प्ट टू मर्डर की कोशिश किया गया है, सेक्शन क्यों नहीं लगाया गया पुलिस एफआईआर की? और हमारे हमारे लोगों ने नाम जब दिया, हमारे लोगों ने नाम दिया, पुलिस के पास नाम है कौन कौन था उस प्लानिंग में, किसने किसने अटैक कराया, किसके कहने पे अटैक किया गया, लेकिन पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर किया और अननोन पर्सन के खिलाफ क्यों भाई? और बोलते हैं आप सद्भावना बनाओ। स्टार्टिंग द इन्वेस्टिगेशन कोर्ट अपना काम कर रही है, फिर उनके पास आने की जरूरत क्या है? घर पे मतलब किसके घर को फूंक देंगे, आग लगा देंगे घर को? आज अगर ओझा जी है किया तो आग लगा देंगे, कल हो भी सकता था ये हादसा, कश्मीर का रिपीटेशन वो हादसा हो सकता था, लेकिन ये हादसा को रोकना चाहिए। कानून का सहारा लो ना भाई, अगर एफआईआर हुआ है तो आप एफआईआर देखे कोर्ट में जाके एंट्री सेफ्टी बेल लिए सर ने, एंट्री सेफ्टी बेल कोर्ट ने दिया है, तो कोर्ट को अपना काम करने दो, कोर्ट को अपना काम करने दीजिए। और उन्होंने हमारी कार को पूरा तोड़ दिया। कार को तोड़ने के बाद वो ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नीचे हमारे लोग जगने की वजह से वो भागे बाहर निकल रहे थे कार अपने जीप से। उनके आने के बाद वो जरा उनकी कहा सुनी हुई, फिर वो लोग जगह से हटे और यहाँ से फिर अपनी ताकत बढ़ाते हुए और 250-300 आदमी जो आगे जाके पुलिस स्टेशन पर, करीब 400 के करीब लोग थे ऐसा मुझे मालूम पड़ा, कि उन लोगों ने पुलिस स्टेशन में जाके घेराव किया, पुलिस स्टेशन में जाके बोलना शुरू किया। अब ये बात के लिए जब बात मालूम पड़ी कि भाई ये क्या बात थी, तो ये बेल एप्लीकेशन के फाइल करने के टाइम पे मुझे कि भाई आपने कोई मैसेज भेजी थी और उस मैसेज की वजह से ये सारा हादसा हुआ है, और उस मैसेज के अंदर क्या था, मैसेज के अंदर ये था कि रमजान क्यों मनाते, और उसके ऊपर से ये बातें सारी हुई। अब ये बेल होने के बाद हमने लगा कि भाई अब सब मामला शांत हो गया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन रात को जो हमारे घर पे पत्थरबाजी की है और ये हमारे घर पे चढ़ के आके हमको मारने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे हालत के अंदर जब पुलिस आ गई तो रात को 2:30-3 बजे तक पुलिस आना जाना सब लगा रहा, और सवेरे के करीब हम लोग को 1-1.5 घंटे सोने को मिला होगा। हमारे पुलिस ऑफिसर जितने थे यहाँ पे और बसई के अंदर उस दिन पुलिस भी नहीं थी, सारी पुलिस मणिपुर में थी, पुलिस को इनको इकट्ठा करना पड़ा। फिर यहाँ 25-30 ऑफिसर इकट्ठे हुए, सब कुछ होने के बाद 2:30-3 बजे रात तक ये काम चलता रहा। पुलिस ने हमको पूरा सहयोग किया है, पुलिस काम कर रही है, लेकिन ये हादसा जो है ना ये एक कॉन्स्पिरेसी के तहत कई लोगों ने मिल करके, और फिर ये जो मैसेज की बात हो रही है, ये मैसेज तो हमने 5 आदमी को भेजा था और 5 वकीलों को भेजा था, कल्लन खां तो कोई वकील नहीं है,
कल्लन खां को वो मैसेज किसने भेजा? और कल्लन खां ने कहां से मैसेज पढ़ा? और जो आदमी पुलिस में कंप्लेन लिखवा रहा था उसने कल्लन खां को पार्टी क्यों नहीं बनाया? अपना कल्लन खां को भेजने मैसेज भेजने वाले को पार्टी क्यों नहीं बनाया? उसका भी नाम आना चाहिए था, वो भी एक एक्यूज है। लेकिन ये इतने तरीके से कॉन्स्पिरेसी करके ये मैटर को बनाया गया कि इसके अंदर इनके साथ में विक्टिमाइजेशन क्या किया जाए और एक ऐसा माहौल तैयार किया जाए जिससे दो दो कम्युनिटीज के बीच में झगड़ा खड़ा हो जाए। और ये दो कम्युनिटीज में झगड़ा खड़ा करने का एक अच्छा तरीका इन्होंने ढूंढा है। जबकि ये मैसेज जो मैसेज की बात हो रही है, पुलिस खुद बोलती है कि 10 साल से ये घूम रहा है। अगर 10 साल से ये मैसेज घूम रहा है तो पुलिस की जवाबदारी थी इसको ढूंढना, आज तक नहीं ढूंढा है। और ना उस मैसेज के अंदर जो बात लिखी हुई है उसको कंडम करने के लिए, उसको बोलने के लिए कोई उस कम्युनिटी का रिस्पॉन्सिबल आदमी आज तक आ गया है। उसको कंडम करना चाहिए था तो सबको मालूम पड़ जाता, पेपर में दे देता, मालूम पड़ जाता, न्यूज़ में देता, मालूम पड़ जाता। लेकिन इस तरह की हरकत किसी ने नहीं की। इसका मतलब जानबूझ करके समाज को लड़ाना, समाज के अंदर जो है बुराई कायम करना और एक दो ग्रुप तैयार करना और उनको लड़ा देना, ये एक कैलकुलेटेड मूव है। और उस कैलकुलेटेड मूव के अंदर ये सारी चीज़ें की गई हैं, जिसके तहत मेरी पुलिस से ये गुजारिश है, रात को जितने लोग आए थे उनके सबके नाम सारी चीज़ें डिटेल आपके पास होते हुए उनके सबके ऊपर केस किया जाए, उनको सबके ऊपर सबको अरेस्ट किया जाए। और ये जो सेक्शंस लगाए गए हैं इनको और एग्रीवेट किया जाए जिससे कि हमको इसके अंदर न्याय मिल सके और जो गुनाहगार हैं उनको सजा मिल सके। सर आपने अभी इतना कुछ कहा जिसमें आपने कहा कि ये जानबूझकर की जा रही साजिश है, हाँ, लेकिन मैसेज आपकी तरफ से पहले फॉरवर्ड हुआ है। अगर वो मैसेज फॉरवर्ड नहीं हुआ था या उस मैसेज को लेकर माफी जैसा हुआ था कि भाई गलती से हुआ है, शायद ये मामला नहीं होता, तो आप अपनी गलती को छुपाने के लिए क्या दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं? ये मैसेज बहुत सालों से घूम रहा है। वो अभी अभी का वो नहीं 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 नहीं, 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 नहीं। आपका जो कहना है ना वो बेटर वहां से शुरू होता है कि इसके लिए गुनाहगार कौन है। नहीं देखिए, जहां जिसके ऊपर आपत्ति होती है, बात सुनिए मेरे, आप मेरी बात सुनिए। आपने जो मैसेज फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स और मेरी टाइम्स होने के सुनिए आप, उसको क्या कोई गलत कर रहा है तो हमको फिर करना चाहिए? मेरी टाइम्स होने के बाद वो मैसेज गुनाह नहीं होती है। और उस मैसेज को जब गुनाह नहीं होती है तो उसको मैसेज को फॉरवर्ड करने में, और मैंने जो फॉरवर्ड किया था वो मैंने ऐसे किसी लोगों को फॉरवर्ड नहीं किया था जिनको ये हो कि भाई ये अंदर इसके अंदर कोई बुराई हो रही है। मैंने वो मैसेज फॉरवर्ड किया था मैडम को, हमारे उपाध्यक्ष ने उसको भेजा था, इनको तो कोई तकलीफ नहीं है, और ऐसे दो तीन और वकील थे उनको भेजा था। लेकिन ये मैसेज, अगर आपको ये लग रहा है कि ये मैसेज गलत था तो वो मैसेज कल्लन खां को किसने दिया? और कल्लन खां को देने वाला वो भी आरोपी है, उसको आरोपी क्यों नहीं किया? तो इस तरह से ये इस तरह से बात करना और आप हमको एक्यूज साबित करना, ये गलत चीज है। आप पत्रकारिता करो, एक साफ पत्रकारिता करो। मेरे पे उंगली उठाई, ऐसे पहले आप ये सोचिए कि आपने पहली बार उसको फॉरवर्ड किया तब जाकर हमने फॉरवर्ड किया था आप खुद वकील हो, जब किसी को किसी चीज का एविडेंस तो कलेक्ट करनी हो, एविडेंस के तौर पर किया गया है। एक आदमी बोले, एक आदमी बोले, ये देखिए ये जो मामला, रुको क्या रुको क्या रुको, एक आदमी बोलो, क्या बात कर रहे हो तुम? इनको भी बिठा लो, ये भी बात करेंगे, बात कर रहे हो तुम? जो भी हुआ है इसमें कानून और संविधान के हिसाब से क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए, जो एक्टिविटी हुई है या की गई है उसमें कानून और संविधान के हिसाब से बेल होने तक मामला खत्म हो चुका था जी। उसके बाद किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं था जी। क्या उन पे कोई कार्रवाई हो रही है? ये कानून का ये आपकी बात को मैं भी समर्थन करता हूं। और ये घटना अगर रात में हुई, और ये रात को जो घटना हुई, और ये रात की घटना जो हुई है वो लोगों ने जिनको कानून हाथ में लिया और ये काम किया है उसके जिम्मेदार वो लोग हैं और कानून उनके ऊपर कार्रवाई करेगा, ये मेरी कानून से डिमांड है। कितने लोग थे कल रात में? अरे बताया ना यार, कितना अरे भाई
अरे भाई आप ही पूछो ना, आप पत्रकार बन के आए हैं, आप बहुत ज्यादा बोल रहे हो, आप ही पूछो ना। के बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे? सही क्वेश्चन भाई। कल की घटना मैडम रात की जो हुई और बता दिया ना आपको, ये रात को हमारे घर पे पत्थरबाजी हुई, यहाँ पे लोग है हमारे घर में घुसने की कोशिश की है, हम आपको जान से मारने की कोशिश की, ये सारी बातें हुई है, हमारी गाड़ी तोड़ी है, हमारे पथराव किया है, सब हुआ है। सर उस मैसेज को लेके आपको दोषी बनाया जा रहा है, दोषी बनाया गया है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो भी सही मान, एक तरीके से सही मान लेते हैं, लेकिन क्या लगता है कि ये मैसेज जो आपने फॉरवर्ड किया उसके बाद जो एक अलग रूप दिया गया उसको वो सही था? मैसेज फॉरवर्ड करने से लेके मेरी बेल होने तक वो मैटर सब गई हो गया जी, अब उसका फैसला कोर्ट करेगा। सर जैसा कि आपने पांच मैसेज लोगों गलत थी, सही थी, क्या था, वो मैसेज कोर्ट डिसाइड करेगा जी, मैं उसके बारे में अब कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन उसके बाद जो हादसा हुआ है वो कानून हाथ में लेने की किसी को कोई जरूरत नहीं थी और किसी को अधिकार नहीं। सर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या संदेश देना चाह रहा है, किससे क्या कहना है आपको बताइए? हमारा ये कहना है कि भाई जो प्रशासन है वो प्रशासन रात की घटना के अंदर जो लोग शामिल थे और जिनके पास नाम है, जो उनके पास फोटोग्राफ्स है, उसके ऊपर सारे आरोपियों के ऊपर एक्शन हो और हमारे सेक्शन जो है उनमें जो लगाए हैं उन्होंने उसके अंदर भी सुधार करके 307 अटेम्प्ट मर्डर केस लगाए। सर पुलिस ने लोगों ने आके हमला किया उन हमलावरों को पुलिस ने अभी तक अरेस्ट नहीं किया है। पूरे हिंदू समाज की एक आज हम ऐसे मांग करते हैं कि उन हमलावरों के ऊपर कुछ ना कुछ गुना दाखिल होना चाहिए, अगर वो गुना दाखिल करने के बाद उनको उनको शासन होना चाहिए, अगर ये कुछ नहीं हुआ तो पूरा हिंदू समाज डॉक्टर वकील जी के साथ में है। मैं पूरे अपने यहाँ के हिंदू समाज को आह्वान करता हूँ कि अभी इस समय अपने वकील जी के साथ में आए और ये हल्ला जो हुआ है रात में हुआ है, उनका जो कुछ मैटर हुआ था उनके उन्होंने उसके ऊपर जामीन दिया था, जो कुछ हुआ था वहीं पे बात वो खत्म हुई थी, लेकिन रात में आके किसी घर में घुसना और कम संख्या से नहीं, उसका कारण क्या था? उनको जान से मारने का ही कारण था ना, ये सभी ने समझना, सबको समझना चाहिए ये बात, ये यहाँ तक बात खत्म नहीं होती है, ये वसे में कभी ऐसे हुआ नहीं, लेकिन जिस जो शुरुआत हुई है ना वो भयावह है, ये अच्छी बात नहीं है, पूरा हिंदू समाज वकील जी के साथ में है। ये है तो कानून है, संविधान है, जैसे जे उल्लंघन चला है काल ओझा जी ने जो मैसेज उनके पास से गया था, चार आदमी को उनके दोस्तों को वकील का ग्रुप उनके पास गया था, तो उन्होंने में से किसी ने फॉरवर्ड करके जो मैसेज आगे गया उसके तहत ये कल का जो रिएक्शन हुआ रात में उनके घर में जो 200-300 आदमी इकट्ठा होकर उनके घर में जो दंगल जैसा हुआ, उनके घर में पथरा हुआ, उनका गाड़ी तोड़ा, उसकी मैं बहुत निंदा करती हूँ कि वसई में महाराष्ट्र में पूरे देश में कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। आज से कल से नवरात्रि का पवित्र उत्सव चालू हो रहा है, आने वाले कार्य में रमजान भी हो रहा है, तो किसी की भी धार्मिक भावना दुखनी नहीं चाहिए और दोनों ने संयम बरकरार रखना चाहिए। 150-200 आदमी किसी एक के घर में आते हैं, इतना उन्होंने जो इसके लिए एंटीसिपेटरी बेल की आवश्यकता होती है, अगर उनका गुनाह है तो कोर्ट उनको सजा देगी ना, किसी को कानून में हाथ लेने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कोई भी कानून हाथ में लेगा तो उसको दंडित होना चाहिए, उसको दंडित पुलिस ने करना चाहिए, उसके ऊपर भी गुनाह दाखिल होना चाहिए और पूरा वसई का जो माहौल है आज तक जो शांति का माहौल है वो फिर बरकरार रखना चाहिए। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।